Hello dear students, welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 8 जेके बोस एंड इट्स अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम योर शॉर्ट स्टोरी सेक्शन. वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, रुस्तम एंड सोहराब. सो इट्स अडेप्टेड फ्रॉम अ वेरी फेमस लेजेंड और वी कैन से स्टोरी फ्रॉम ईरानियन राइट फ्रॉम दैट टाइम व्हेन ईरान वॉज नॉट influenced by Islam. It's before Islam, the story is when most of jab wahan pe zyada tar log Zoroastrian the, yani ki aag parast the jab Irani. So we'll try to read some few passages and give you and try to give the explanation of these passages, and hope that by the end of this story you will be quite एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनने को आपको मिलेगी और काफी सीखने को भी मिलेगा. सो रुस्तम एंड सोहराब इज अ ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया. रुस्तम इज अ पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग कायकूस. सोहराब इज द सन ऑफ रुस्तम एंड तैनेमे. रुस्तम एंड सोहराब नेवर मेट इन देयर लाइफ टाइम अंटिल ऑन द बैटल फील्ड. एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम, सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो. Though Sohrab knows that he is Rustam's son, tragically Rustam doesn't know this fact, who stabs Sohrab to death. तो इसका इंट्रोडक्शन में ही ये बताते हैं कि जो ये रुस्तम और सोहराब की जो एक कहानी है, ये एक बहुत ही दुखी एक कहानी है. कहां से? पर्शिया से, यानी कि ईरान का जो पुराना नाम था वो फारस, या अंग्रेजी में कहेंगे पर्शिया. अब रुस्तम के बारे में, जो रुस्तम जो था ये एक ईरानी एक हीरो था. उनकी कहानियों में अगर देखें तो एक हीरो था एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग कायकूस, और किंग कायकूस का एक फेवरेट कमांडर हुआ करता था. और जो सोहराब था वो रुस्तम और तैनेमे का लड़का था, और रुस्तम और सोहराब दोनों जिंदगी में कभी भी नहीं मिले. सिर्फ एक मोमेंट पे फाइनली वो मिले. कहां पे? वो जंग के मैदान में. और जैसा कि रुस्तम से कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था, सोहराब को भेजा जाता है इस लेजेंडरी पर्शियन हीरो से लड़ने के लिए. अब जो सोहराब है वो जानता है कि दैट ही इज रुस्तम सन्स. सोहराब को मालूम है कि वो रुस्तम का लड़का है, बट ट्रेजिकली रुस्तम डजंट नो दिस फैक्ट, हु स्टैब सोहराब टू डेथ. मगर रुस्तम को ये बात मालूम नहीं होती है, और अनफॉर्चुनेटली रुस्तम के हाथों अपने ही बेटे का कत्ल हो जाता है. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड इन पर्शिया अ ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम. ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया. द एनिमीज हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री फ्लेड इन फियर व्हेन दे हर्ड हिज वॉर क्राय रुस्तम. पर्शिया इज अ सेफ इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर्स, सेड कायकूस द किंग ऑफ पर्शिया. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say. Once in the course of his travels, Rustam met a Tartar prince called Tanime. They fell in love with each other and married. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he didn't feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. So Rustam had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting, he gave her a precious stone and said, "When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret." In due course, a son was born to Tanime. Tanime knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son, and she had lost her husband, as she had lost her husband. So Tanime sent word to Rustam that their child was a daughter. Tanime named her Sohrab, which means child of many smiles. Sohrab grew
अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। सो क्या होता है कि बहुत सालों पहले पर्शिया, जो कि अब ईरान है, वहां पे एक बहादुर, एक इंसान, एक कमांडर रहता था जिसका नाम था, सोल्जर था जिसका नाम था रुस्तम। वो इतना बहादुर था और इतना बेखौफ था कि ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, और इस वजह से उसने अपने मुल्क को बहुत सारे जो हमलावर हैं जिन्होंने उनके मुल्क पे हमला किया था उनसे बचाया। इसीलिए उसे कहा जाता था द शील्ड ऑफ पर्शिया, शील्ड यानी कि कवच जो रक्षा करता है, यानी कि पर्शिया का कवच। द एनिमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री फ्लेड इन फियर व्हेन दे हर्ड हिज वॉर क्राई। जो भी दुश्मन ईरान पे हमला करने के लिए आते थे वो रुस्तम के जंग की आवाज की ललकार सुन के ही भाग जाते थे। तो कायकूस जो वहां का बादशाह था ईरान का, वो कहता था कि ईरान तब तक सेफ है, मुस्तहकम है, जब तक हमारे फौजियों की रहनुमाई कौन कर रहा है, रुस्तम द किंग ऑफ पर्श। नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस, कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत ना करे, डराने की हिम्मत ना करे, अगर कोई हिम्मत करता है उसे एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी बातें बादशाह कैकूस की, क्यों? क्योंकि उसे रुस्तम की बहादुरी पे भरोसा था। तो बाजो अब ईरान के जो दुश्मन थे वो क्या कहते थे कि जब तक रुस्तम ना मर जाए हमारी आर्मीज कभी भी विक्ट्री नहीं हासिल कर सकती है। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स रुस्तम मेट अ टाटर प्रिंस कॉल्ड टनेमे, दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड। एक वक्त ऐसा आया रुस्तम की जिंदगी में कि वो एक सफर पे चला गया और उस सफर में वो एक तातारी, एक शहजादी से मिला और उससे उसे मोहब्बत हुई, एक दूसरे को, उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई और वो लोग उन्होंने शादी कर ली। मगर ये शादी ज्यादा देर तक वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, अपनी बीवी के साथ वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाए रुस्तम, क्योंकि बादशाह है जो ईरान है कैकूस, उसने रुस्तम को बुलावा दिया कि वो वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि रुस्तम की गैर मौजूदगी में वो अपनी हुकूमत को सेफ महसूस नहीं कर पाता था और उसे नहीं लगता था कि वो उसे डिफेंड कैसे डिफेंड करे अपने कंट्री को। तो रुस्तम को अपनी जो प्यारी सी वाइफ है, बीवी है, उसे छोड़ना पड़ा बीच में ही, और ये बहुत एक दुख की बात थी। जब वो लोग एक दूसरे से जुदा हुए तो बहुत एक गम का माहौल था, क्योंकि बहुत टाइम लग सकता था कि वो जबकि वो एक दूसरे से दोबारा मिले। जाते जाते रुस्तम ने क्या किया, रुस्तम ने एक बहुत कीमती पत्थर दिया और ये उसका अपनी बीवी को दिया और कहा कि जब तुम माँ बन जाओ तो ये जो पत्थर है हमारे बच्चे के हाथ पे रख देना, लगा बांध देना और हमारी शादी को एक राज रखना, क्योंकि उसे डर था कि उसकी औलाद को या उसकी बीवी को कहीं नुकसान न पहुंचाए कोई। कुछ अरसे के बाद तनिमे के यहाँ पे एक लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। तनिमे जानती थी कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो रुस्तम के बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, रुस्तम चाहेगा कि वो उसको अपने जैसा बनाए। तो जब तक वो इस बच्चे की पैदाइश को एक राज न बनाए रुस्तम के सामने, तब तक वो अपने बेटी के साथ नहीं रह सकती है। वो अब ऑलरेडी अपने पति को खो चुकी है, वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। और हाँ, क्योंकि वो एक लड़का था, शी वुड देन लूज हर सन। उसे मालूम था कि जिस तरह से उसने अपने हस्बैंड को खोया है उसी तरह से अपनी बेटे को भी खो देगी। तो रुस्तम के वहां पैगाम उसने भेजा है कि हमारे घर पे बेटी पैदा हुई है। तनिमे ने क्या किया, तनिमे नेम्ड हर सन सोहराब। तनिमे ने उस अपने बेटे का नाम सोहराब रखा और सोहराब का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स, एक ऐसा बच्चा जो जिस जो जिसकी यानी कि मुस्कुराहट जिसकी पहचान हो, या जिस बच्चे की वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान पैदा हो। सोहराब एक बहुत ही खूबसूरत जवान और एक बहुत ही बहादुर जवान लड़का बन गया, बड़ा हो गया। जैसे ही उसने तलवारबाजी सीखी और
एक जंग के फन में वो काफी काफी परफेक्ट हो गया। और दूर दूर तक अब उसके बहादुरी के किस्से फैलने लगे, और फॉर माइल्स अराउंड देयर वॉज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसे तलवारबाजी में हरा सके। सो वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर हियर, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फर्दर प्रोसीड दिस शॉर्ट स्टोरी, ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम।